इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सतगुरु की सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है ये को करे चितलाए, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है। मन चिंदिया फल पावना, मन चिंदिया फल पावना, हमें बिचो जाए, हमें बिचो जाए, हमें बिचो जाए, सतगुरु की सेवा सफल है सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे इतलाए, सतगुरु की सेवा सफल है बंधन तोड़े मुक्त हुए सतगुरु की सेवा सफल है सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए, सतगुरु की सेवा सफल है।
जग में नाम अलग है। इस जग में नाम अलग है। गुरुमुख से मन आए, गुरुमुख से मन आए, गुरुमुख से मन आए, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है। जे तो करे चितलाए, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। नानक जो गुर सेवे अपना, नानक जो गुर सेवे अपना, हाँ तिन बलिदारे जाओ, हाँ तिन बलिदारे जाओ, हाँ तिन बलिदारे जाओ, सतगुरु की सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है।
जल के मजन जीवत होए, जल के मजन जीवत होए, जल के मजन जीवत होए, नित नित में डक नावे, जल के जल के मजनी जगत हो, नित नित में डकनावे, जैसे मेंढक तैसे होए नर, फिर जो नी पावे, जैसे मेंढक तैसे होए नर, 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 फिर जो नी आवे, फिर जो नी आवे, चलावण गुर की सेवा, गुर की सेवा।
सचनार गुर की सेवा चना
सतावर गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की मेहर से श्री जपजी साहिब जी के अर्थ चल रहे हैं। विषय है सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में कई प्रकार के तीर्थों का जिक्र किया गया है। सतगुरु को तीर्थ का दर्जा दिया, नाम को तीर्थ का दर्जा दिया, सतसंगत को तीर्थ का दर्जा दिया, साधु की संगत को, संत को तीर्थ का दर्जा दिया। क्यों? इन सबसे मन की मैल उतरती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ का भाव जहां पर मन की शुद्धि होती हो, अंतरीव मैल उतरती हो, उसे तीर्थ कहा है। पवित्रता से हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब एक पहलू जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी बार 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 प्रमाणित करती है कि सेवा गुरु की सेवा तीर्थ का दर्जा रखती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा, आप शब्द भी श्रवण कर रहे हो, कबीर जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। असली तीर्थ स्नान गुरु की सेवा है। पूजा केवल उस एक की कर, एक ओंकार उस अकाल पुरख की, और सेवा कर गुरु की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरा सच्चा तीर्थ स्नान है, इसमें तेरे मन की मैल उतर जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी इस शब्द को बड़े अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं। इसमें उन्होंने कई पॉइंट्स लिए हैं जिसे दुनिया मानती है। दुनिया जिन बातों को मानती है, कबीर जी ने उसका खंडन किया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और एक एक बात पर बहुत गहरा ज्ञान दिया है कबीर जी ने। कबीर जी कह रहे हैं, अंतर मैल जे तीरथ नावे तिस वैकुंठ न जाना। पहले शब्द के सरल अर्थ समझ लेते हैं, फिर पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज का विषय ना, सेवा का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। दुनिया नाम की दात मांगती है कि नाम की दात मिल जाए, नाम की दात मिल जाए, नाम की दात मिल जाए। वाणी कहती है, गुरु साहब जी कहते हैं कि बिना सेवा के नाम की दात मिल ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बिना सेवा के नाम की दात नहीं मिल सकती। कितनी इम्पोर्टेंट होगी सेवा। दास ने कई बार ये बात बताई, क्योंकि महापुरुषों के वचन है, नदी को चलने के लिए दो किनारों की जरूरत चाहिए, पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत चाहिए, प्रभु को पाने के लिए दो पंख चाहिए, सेवा और सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा हो सिमरन ना हो, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता। सिमरन है सेवा नहीं है तो भी पक्षी नहीं उड़ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों की जरूरत है। कबीर जी यहाँ पर सेवा के बारे में बता रहे हैं और तीर्थों पर स्नान करने की जो मर्यादा बनी हुई है उसके बारे में समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि साचा नावण गुरु की सेवा, अगर सच्चा तीर्थ स्नान करना है तो गुरु की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा के कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं, कैसे करनी है इसके ऊपर बहुत बड़ा विषय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमें रास्ता मिले, सही सही ज्ञान मिल जाए कि सेवा होती क्या है, सेवा करती क्या है, कहां से कहां पहुंचा देती है सही तरीके से की हुई सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर मैल जे तीर्थ नावे किस वैकुंठ न जाना। कबीर जी कह रहे भीतर मैल भरी पड़ी है, तीर्थों पे स्नान कर रहा है, तुझे स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों तेरे मन की मैल नहीं उतर रही। लोकपति ने कछु ना हुआ ना ही राम अयाना। लोगों को खुश कर लेगा तो तीर्थों पर जाकर दिखावा करके कि मैं तीर्थों पे स्नान करके आया हूँ, लोग हो सकते तुझसे खुश हो जाए पर राम खुश नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर कट बात कह रहे हैं कबीर जी। लोकपतीर्ण है कछु ना होवे, लोगों को खुश कर ले, दुनिया को खुश करके आज तक किसी ने क्या पा लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेकंड लगता है दुनिया की नजरिया बदलते हुए तेरे प्रति। आज दुनिया जिसे सर पर बिठाती है कल कब गिरा दे पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोकपतीर्ण है कछु ना होवे, तेरे तीर्थों के स्नान करने पे लोग तुझ पे प्रभावित हो सकते हैं कि बड़े तीर्थों का स्नान करता है, पर ना ही राम अयाना, राम कोई ना समझ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तेरे भीतर का जानता है बाहर का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे कबीर जी कहते हैं कि जल के मजन जेगत हो गए, अगर पानी में स्नान करने से ही गति हो जाती तो नित नित मेंढक नावे, तो मेंढक तो रोज उसमें स्नान करते हैं उन तीर्थों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार से मेंढक रोज स्नान करते पर उनका जन्म मरण नहीं कट जाता, वो फिर से जूनी में आते हैं, जिस प्रकार मेंढक फिर से जूनी में आते हैं तू भी बार बार जूनी में आएगा, क्योंकि जल के मजन गत नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जूनी आवे, मन में से गलत फहमी निकाल दे कि तू पानी का स्नान करेगा तेरा मन पवित्र हो जाएगा, नहीं हो सकता। कैसे होगा, पूजो राम एक ही देवा, कैसे होगा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कबीर जी उस बात को ले रहे हैं जिसे सारी दुनिया मानती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मनो कठोर
मरे बनारस। देखिए टॉपिक क्या है, सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। इसी को भक्तों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं की वाणी ने अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश की। गुरु नानक पाशाह ने अलग ढंग से, गुरु अंगद देव जी ने अलग ढंग से, भगत कबीर जी ने, सारे गुरुओं ने अलग ढंग से, हर एक का अपना ढंग है समझाने का। और कबीर जी ने ये जो पंक्तियां ली है, इसको सिर्फ कह के नहीं समझाया है, इसको करके समझाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बांचिया जाए। एक प्रचलित है ये बात कि बनारस काशी में जाके जिसकी मृत्यु होती है वो नरकों में नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है, वो बहुत बड़ी है, पर शिव जी का वर है उस धरती को। वर क्या है कि वहां पर पापी से पापी भी मर जाएगा तो नरकों में नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं मनो कठोर मरे बनारस, जो मन का कठोर हो। कठोर किसे कहते हैं? मन का, जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी हो, लोगों के दिल दुखाता हो, पशुओं की हत्या करता हो, इंसानों की भी हत्या करता हो, मन कठोर हो, दया रत्ती मात्र भी ना हो। अब वो बनारस में मर जाए तो क्या नरकों में नहीं जाएगा? कबीर जी कहते हैं नरकों से बच नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बांचिया जाए। हृदय में अगर दया नहीं है, दया, दया एक अलग टॉपिक है, क्योंकि दया को भी तीर्थ के स्नान का दर्जा दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया ये पूरा पहलू ही अलग है, अगर इस तरफ चले गए तो हम इसी पे फोकस करते हैं। मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बांचिया जाए। अगर मन का कठोर है, चाहे तू काशी में मर चाहे कहीं और मर, नरकों से नहीं बच पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे हृदय में दया नहीं दूसरों के प्रति, प्रभु तुझ पर दया नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का संत मरे हाड़म्बे, तसगली सैन तराई। कोई नाम जपने वाला जपाने वाला संत हो, चाहे वो हाड़म्बे की धरती पर मरे, हाड़म्बे को श्राप है, चाहे कोई कितना भी पुण्य आत्मा भी वहां पे मरे, ये श्राप है, कोई भी मरे वो नरकों में ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी सारा जीवन बनारस में रहे, पर मरते वक्त क्या किया उन्होंने? कहने लगे मुझे हड़म्बे की धरती पर ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सेवादार कहने लगे कैसी बातें करते हो, सारा जीवन आपने बनारस में बिता दिया, अब अंतिम समय आया है तो हड़म्बे की धरती जहाँ पे श्राप है कि यहाँ पे कोई मरेगा तो नरकों में जाएगा। कबीर जी कहते मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि नाम जपने वाला चाहे हड़म्बे की धरती में मरे चाहे कहीं पे मरे, वो अकेला ही नहीं सारी धरती को तार के साथ में लेके जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर का संत मरे हड़म्बे, ता सगली सैन तराई। कबीर जी ने अपने प्राण हड़म्बे की धरती पर त्यागे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, लोग ना बहुत टेंशन लेते हैं कई लोग। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कॉल आया था बाहर से। वो माता का सवाल क्या था पता है? कहने की बहुत फिक्र में, बहुत टेंशन में माता, बात कर लो। किसी सेवादार ने बात करी तो कहती मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, तो जब मैं मरूंगी तो बेटियां मुझे जब अग्नि देंगी मेरी लकड़ियों को, तो क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ फंसे हुए हैं हम, अज्ञान है, इसी के तो भ्रम कहते हैं। पहली बात तो ये, बेटियों और बेटियों में कोई अंतर रखा ही नहीं है गुरु की वाणी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फर्क ही नहीं रखा है, ये पहलू ही अलग है। पर मन में शंका क्या है कि मेरी मुक्ति कैसी होगी? बाबा नंद सिंह जी के वचन, नाम जपने वाला जंगल में मरे उसकी लाश को दफनाया बिना जाए, जानवर खा जाए, तो भी वो बैकुंठ में ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बात शरीर की तो है ही नहीं,
बात तो आत्मा की है, अंदर की है। और चाहे पापी आदमी को हजार लोग साथ में जाके जला के आए, दफना के आए, तो भी उसे तो नरक ही मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी सोच ही इतनी छोटी हो चुकी हुई है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है, गुरबाणी का ज्ञान नहीं है। गुरबाणी का ज्ञान जिस दिन हो गया ना, ये डर निकल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं, दिन से नारायण वेद ने शास्त्र तहां बसे निरंकार। दिन से नारायण वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकार। भगत कबीर जी समझा रहे हैं, निरंकार कहां बसता है, जहां ना दिन है ना रैन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना ही वो किसी वेद शास्त्र का मोहताज है, ना किसी तिथि का, ना किसी वार का। कोई कहे कि भगवान हमारे पास ही है, जैसे पहले भी ये बात आई थी कि हमारे वेदों में ऐसे लिखा है, हमारे शास्त्रों में ऐसे लिखा है, या हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, भगवान सिर्फ हमारे पास ही, हमारा ही कब्जा है। तो कबीर जी कहते हैं बावरिया संसारा, भगवान तो वहां रहता है, वो किसी एक विशेष वेद या शास्त्र में नहीं, किसी एक धर्म ग्रंथ का मोहताज नहीं भगवान। कहते मैं उसे ध्याता हूं जो ना दिन में है, ना रात में है, ना वेद में है, ना शास्त्र में है, ना किसी धर्म ग्रंथ में है। मैं उसे ध्याता हूं जो हर एक में व्यापक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिन से नारायण वेद ने शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहे कबीर नर तिसे त्यावो। मैं तो ध्याता ही हूं, सबको ज्ञान दिया कि उसे ही ध्या, किसे एक ओंकार, उस राम रमे हुए को, जो हर एक में रमा हुआ है, वो राम एक ओंकार सृष्टि का मालिक, बाकी सारा संसार बांवरा हुआ पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो नाम नहीं जपते वो बांवरे हुए हुए हैं, जो नाम छोड़कर बाकी सारे कर्म कांडों में लगे हैं वो बांवरे हैं। भगत कबीर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या कहा है कबीर जी ने शब्द में, सबसे गहरा उपदेश क्या दिया है कि पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। अगर तुझे सच में तीर्थ का स्नान करना है तो सेवा में लग जा, गुरु की सेवा, गुरु की संगत की सेवा। क्योंकि अगर गुरु की संगत की खुशी ले ली, गुरु की खुशी अपने आप मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा,
प्यास से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवे गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि लोग दुनिया नाम की दात मांगते हैं कि नाम की दात मिल जाए, पर नाम की दात मिलती है सेवा के सदके ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या फरमा रहे हैं पांचवे गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज, श्रवण कीजिए। गुरु सेवा ते नाम लागा, गुरु सेवा ते नाम लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जिसके बड़े भाग हो उसे सेवा मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, अगर गुरु ने कोई सेवा दी है, सबसे पहली बात इसे समझ ले, गुरु सेवा देता है, हम करते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा महा हरनाम सिंह जी, एक छोटी सी घटना बीच में याद आ गई। एक सेवादार है जो 12-12, 18-18 घंटे पंखा करने की सेवा करता है, खड़े होकर बैठता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12-12, 18-18 घंटे एक जगह पर खड़े होकर पंखा करने की सेवा करता है, थकता ही नहीं। किसी ने सवाल किया बाबा महारनाम सिंह जी से कि ये कमाल का सेवादार है, हैरानी होती इतनी देर कोई कैसे सेवा कर सकता है एक ही जगह पर खड़े होकर। बाबा महारनाम सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कुछ नहीं कहा। समा बीता, बहुत लोगों ने तारीफ करनी शुरू की उसकी, और उसके मन में भी अहंकार आ गया कि मेरे जैसे कोई सेवा कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12-18 घंटे में पंखा की सेवा करता हूँ, सारी दुनिया कह रही है तो कोई खास बात ही होगी मुझमें कि मैं इतनी देर सेवा कर लेता हूँ। बाबा महारनाम सिंह जी उसके मन की बात जान गए, क्योंकि अंतर्जामी थे। बड़ी ज्यादा कमाई बाबा महारनाम सिंह जी साथ से बच्चे, अत की कमाई। दास ने कई महापुरुषों का जीवन पढ़ा है, कई। आप सोचो जिसके मुर्शद बाबा महारनाम सिंह जी हो, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद, कितनी कमाई होगी उनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महारनाम सिंह जी ने जान लिया और अगले ही दिन वो एक घंटा भी पंखा नहीं कर पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता लाते दुख रही, बैठने को दिल कर रहा है, सेवा नहीं हो रही। चला गया सेवा छोड़ के, फिर आया मन बना के, एक घंटा भी ना कर पाया। 3-4 दिन हो गए, बाबा महारनाम सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर, आके गिर पड़ा चरणों में कि क्या हो गया है मुझे, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। 12-12, 18-18 घंटे में सेवा करता हूँ पर अब हो नहीं रही। बाबा महारनाम सिंह जी कहने लगे, तुझे लगता है कि तू सेवा कर रहा था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरी गलत फहमी है, कृपा करके सेवा लेते हैं हम जिससे सेवा लेनी हो, बिना कृपा के सेवा नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कृपा करके सेवा लेते हैं, तू सेवा करता नहीं है, और ये सच्चाई है साथ संगत जी। ऐसी कई घटनाएं हैं। एक उन्हीं के पास एक सेवादार बहुत सेवा करता है, गागर जल के उसके घर में मृत्यु हो गई किसी की, उसके घर में मृत्यु हो गई, मर गया कोई एकदम क्लोज, जैसे कोई मान लो घरवाली मर गई, माता मर गई, हमारे क्या हालत होती है, कुछ सोचता नहीं, रोते रहते कई दिन, और उसे जरा सा भी असर नहीं हुआ, वो अपना आनंद में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सेवा में वैसे ही लगा जैसे पहले, मुस्कुरा रहा है, कोई मन में दुख नहीं, कोई रोष नहीं, कोई बैरा, कोई भी ऐसी बात नहीं दुख वाली, भाणा मान रहा है, कितनी ऊंची अवस्था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर
जब लोगों ने कहना शुरू किया कमाल की अवस्था इसकी, घर में एकदम क्लोज की मृत्यु हो गई अपने खास की, उसके बावजूद भी इस पे कोई असर नहीं, कितनी ऊंची अवस्था है, ये बात उसके कानों में पड़ गई, कानों से अंदर चक्कर चला क्या गया, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके मन में ये बात आ गई कि कमाल की अवस्था गुरु ने मुझे बख्श दी है, कमाल की, कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे घर में मृत्यु हो गई। जैसे ये फुरना मन में आया, बाबा मार नाम सिंह जी ने जान लिया, उसी वक्त उसका रोना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी चैन ही नहीं आ रहे, कई दिनों तक रोता रहा, आके चरणों में गिर पड़ा, पाछा कहा इतनी ऊंची अवस्था थी, अब क्या हो गया है। बाबा मां हरनाम सिंह जी ने वही बात समझाई, हम जिसे सेवा में रखते हैं, तुझे क्या लगा कि तेरी ऊंची अवस्था हो गई है, कृपा देकर रखी हुई है, कृपा देकर रखी हुई है, तब ये अवस्था बनी हुई है। तेरे मन में अहंकार आया कि मेरी अवस्था हो गई, जिस दिन अहंकार आ जाता है वहीं से आदमी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये गुरु की कृपा वर्ती है तेरी सेवा के सदके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा गुरु ने दी है, मतलब गुरु ने दी है, हम नहीं करने वाले। बहुत लोग मैं समझा समझा के मेरा सारा जीवन खत्म होने को आ गया है। आते हैं लोग, हम सेवा करते हैं, हम सेवा छोड़ देंगे, हमसे सेवा नहीं होती, अगर ऐसा करोगे तो हम सेवा छोड़ देंगे। मुंह से एक बार भी निकल जाए ना ये बात, एक दिन आ जाता है फिर छूट जाती है। गुरु सेवा लेता है, हम नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरु को किसी चीज की कमी है? एक हटे दस तैयार बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नुकसान हमारा होगा, किसी का नहीं होना। सेवा मिली है, बाबा आनंद सिंह जी के वचन, जब गुरु आपको कोई सेवा देता है, समझो कोई किसी को झाड़ू मारने की सेवा मिल गई, किसी को लंगर की मिल गई, समझ लेना गुरु को झोली भरना चाहता है, समझ लेना। देने का मतलब ही ये है, जॉब पर इंसान को रखा है किसी मालिक ने, किसी फर्म ने, तो वो तनख्वाह देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, देनी ही पड़ेगी उसे। संगत की सेवा गुरु की सेवा है। जब कोई सेवा मिल जाए, उस सेवा को समझ लो कि गुरु नाम की दात अब देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस बर्तन कोई सही तरीके से सेवा का बना लिए, हम बीच में से टूट जाते हैं, बीच में से हमारे मन में कई कुछ आ जाता है, भरोसा कम हो जाता है, कई कुछ अरदास, हर वक्त अरदास, पाछा तरस कर तू सेवा ले, हम करने लायक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, गुरु सेवा ते नाम में लागा, गुरु की सेवा मिलेगी फिर नाम की दात मिलेगी, पर किसे, जिसके बड़े भाग होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात याद आ गई, सेवा करती क्या है सेवा। संत बाबा थारिया सिंह जी, संत बाबा थारिया सिंह जी, बहुत कमाई उनकी भी, बहुत सारी संगत उनके दर्शन करने, उनके पास रहने, उनकी कथा सुनने आती थी, वहां रुकती थी। तो अपने घर घर वाली को कहा करते थे, माता जी को, कि सारे संगत के जो बस्तर होते हैं ना मैले, वो सब मांग मांग के लिया कर और उसे धोने की सेवा किया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बाबा थारिया सिंह जी अपने घर वाली को हमेशा ये समझाते थे कि जब भी संगत आए, चाव से जाकर एक एक कमरे में जाके उनसे मैले कपड़े मांगा कर। तो उन्होंने एक दिन सवाल किया कि ये सेवा अब बड़े बार बार कहते हो ये सेवा करने के लिए, इस सेवा में कुछ खास है क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बाबा थारिया सिंह जी ने जो वचन किए वो पल्ले बांध लेने वाले वचन, कहने लगे अगर तू नाम जपते जपते श्रद्धा भावना से कपड़े धोएगी ना, तो मैल कपड़ों में से नहीं उतरेगी, मैल तेरे मन की उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मैल कपड़ों में से नहीं, मैल मन में से उतरेगी। और ये सच है, चाहे कोई बर्तन धोने की सेवा कर रहा हो, चाहे किसी प्रकार की सेवा कर रहा हो, पोछा मार रहा हो, झाड़ू मार रहा हो, वो सफाई धरती की नहीं कर रहा, सफाई उसके मन की होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा की गहराई को कोई समझ ले तो सेवा क्या है। साचा नाम गुर की सेवा, तू जो राम एक ही देवा,
आँखें में कजलावे अखियां च तू बसदा इन अखियां च पाला किवें कजलावे अखियां च तू बसदा हर वेले जन्ना मेरा तेरे वल मुए हर वेले जन्ना मेरा तेरे वल मुए दुनिया च ना तेरा अखियां च तू वे अखियां च तू वे जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे हासियां च तू हसदा जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे हासियां च तू हसदा चन्ना नेड़े नेड़े आया तू अखियां दे राइया के दिल च समाया तू दिल च समाया तू जदों पुछनियां प्यार दियां गल्लां वे हौली हौली तू दसदा इन्ना अखियां छुपावा किवें कजलावे अखियां च तू वसदा मसा मसा जिंदड़ी मैं प्यार विच रंगी वे मसा जिंदड़ी मैं प्यार विच रंगी वे अज मैनू जापदा मैं तेरे नाल मंगी वे तेरे नाल मंगी वे अज खुशियां दा हो गया सवेरा वे गम साथों दूर नसदा इन्ना अखियां छुपावा किवें कजलावे अखियां च तू वसदा इन्ना अखियां छुपावा किवें कजलावे इन्ना अखियां छुपावा किवें कजलावे अखियां च तू वसदा वे अखियां च तू वसदा ओए अखियां च तू वसदा सुख वेले शुकराना करिए दुख वेले अरदास हर वेले ओदा सिमरन करिए हर काम आवे रास अकल इलम तो कोरा मेरे दिल विच कर तू वास जे तू ना फड़दा बां असां रुड़ जाना सी सानू किते ना लभदी था सामर जाना सी जे तू ना फड़दा बां असां रुड़ जाना सी
सानू किते ना लबदी था सामर जाना सी असां रुल जाना सी हाय असां मर जाना सी असां पत्तियां वांगू दर दर तके खाने सी गल गल विच अखियां विच हंजू आने सी तुसी फड़ देना दामन तुसी फड़ देना दामन असां रुड़ जाना सी सानू किते ना लबदी था सामर जाना सी असां रुड़ जाना सी हाय असां मर जाना सी ना हसदी खेडदी होंदी ऐ जिंदगानी सी इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी तुसी पेंदे ना खुशियां तुसी पेंदे ना खुशियां असां रुड़ जाना सी सानू किते ना लबदी था सामर जाना सी असां रुड़ जाना सी हाय असां मर जाना सी भावे किन्निया होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे मेरे सतगुरु थोड़ा कर्ज नहीं चुका सकदे तुसी कर देना कृपा तुसी कर देना कृपा असां रुड़ जाना सी सानू किते ना लबदी था सामर जाना सी असां रुड़ जाना सी हाय असां मर जाना सी जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh
जय गुरु जी की।